अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जनरल मैथ्स का लेक्चर 7 है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन देखें बच्चों, मैंने यहाँ पे फंक्शन की डोमेन की और रेंज की डेफिनेशन मेंशन की हुई है। देखें, अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस। फंक्शन क्या होता है? रूल होता है या फिर एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट Each element in first set corresponds to one and only one element in the second set. Function क्या है? Function एक rule है या फिर correspondence है, किस तरह का, जो कि two sets को relate करता है in such a way that each element in first set का हर element corresponds करता है to one and only one element of second set. ठीक है, इसकी मैं आपको example देती हूँ। एग्जाम्पल देखें, अगर हम ले एक फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। देखें यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। अब देखें, पहले हमारे पास है x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की हमारे पास वैल्यू आएगी 0 प्लस 1 विच इज 1। इसी तरीके से फिर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। जैसे ही हम x इक्वल टू 1 अपने इस फंक्शन में पुट करेंगे, इसको चेक करेंगे आपके पास फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन जरा x की वैल्यू y में पुट करें, y की इक्वेशन में पुट करें, x की जगह पे 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। देखिए, x की एक वैल्यू पुट करने से y की हमारे पास एक वैल्यू आई है, सिंगल वैल्यू आई है। ठीक है, x की सिंगल वैल्यू पुट करने से y की हमारे पास सिंगल वैल्यू आती है, दो डबल वैल्यूज नहीं आती। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैंने एग्जांपल ली प्लस माइनस x, y इक्वल्स टू प्लस माइनस x। अब इसे चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। x की यही सेम वैल्यूज हम जाके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x अगर हम पुट करें 0, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 0 विच इज 0। ठीक है, मतलब x की एक वैल्यू पुट करने से y की सिंगल वैल्यू आ गई। अब x की आप दूसरी वैल्यू पुट करें विच इज 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करें यहाँ फंक्शन में, फंक्शन नहीं सॉरी इक्वेशन में, तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब देखिए, यहां से x की हमने सिर्फ एक वैल्यू पुट की और y की हमारे पास आई दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब हमारे पास जो हमने फर्स्ट सेट की एक वैल्यू पुट करने से हमारे पास सेकेंड सेट की दो वैल्यूज आ रही हैं। इसमें इट मींस ये आपके पास फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो कहा था कि एक वैल्यू पुट करने से ईच वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मैप करता है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस करता है किससे? वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, तो हमारे पास वन एंड ओनली वन वैल्यू आनी चाहिए थी, यहां तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं। इट मींस ये आपके पास फंक्शन नहीं है। और ये क्या था? फंक्शन था। देखें, आपको ये डेफिनेशन बच्चों समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी की देखें, फंक्शन की आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस That assigns to each x in x, यहाँ पे ये x क्या है? Member या फिर element of set x है। यहाँ पे क्या था? That assigns to each x in x a unique element y in y. ये भी आपके पास इसी तरीके की वो definition है कि उसने क्या कहा कि x की हर value जो है वो unique value of y को assign की जाती है। ठीक है, मतलब x की एक वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की क्या वैल्यू आ रही है? यूनिक वैल्यू आ रही है, वन वैल्यू आ रही है। दो वैल्यूज ना आए, अगर दो वैल्यूज आ जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर आपके पास सिर्फ यूनिक वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास इक्वेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगी। द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ x। देखें, जो आपके पास x के नंबर्स का सेट होगा वो आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगी, और जो आपके पास y का सेट होगा वो रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। द सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन y
इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ. अब ये y जो स्मॉल y है वो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, और ये जो कैपिटल y है वो क्या है, सेट को शो कर रहा है. इसी तरीके से यहाँ पे जो स्मॉल x था वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो कैपिटल x है वो सेट को सेट की नोटेशन है. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाए नोटेशन एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन, बच्चों हमारे पास फंक्शन में अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो उसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा. जो इंडिपेंडेंट होगा वो तो ऑब्वियसली उसकी ऑलरेडी आपके पास वैल्यूज गिवन होगी, और जो डिपेंडेंट होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा. ठीक है. इफ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स, इसका मतलब क्या है, इफ अ वेरिएबल वाई, वाई अगर डिपेंड कर रहा है एक्स पे, मीन्स अगर x की वैल्यू पुट करने से, अगर x की वैल्यू पुट करने से आपके पास y की वैल्यू आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो y की हमारे पास 1 वैल्यू आई. ठीक है. इट मीन्स y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे. जब तक हम x की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास y की वैल्यू नहीं आएगी. इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस exactly one value of y, ठीक है, each value of x. अगर आपके पास y जो है वो इस तरीके से डिपेंड करे x पे कि each value of x जो है वो डिटर्मिन करे, या फिर each value of x जो है वो अगर हम y में पुट करें तो हमारे पास y की सिर्फ सिंगल वैल्यू आए, डबल वैल्यूज ना आए, या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज ना आए, तो हमारे पास वो जो इक्वेशन होती है वो फंक्शन कहलाती है. If a variable y depends on a variable x in such a way that each value of y determines exactly one value of y, then we say that y is the function of x. देखिए स्विस मैथमेटिशियन अलर्स ने क्या किया था, इस ड्यूरेशन में इन्वेंट किया था एक सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट y इज द फंक्शन ऑफ x as y equals to f of x. और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं y equals to f of x, और ये पढ़ते कैसे हैं, y is function of x. नोट देखें, function are often denoted by letters such as capital F or small f, small आपके पास f r g h और साथ में capital F g h, इनसे हम इस functions को denote कर सकते होते हैं. उसके बाद second नोट देखें, in function y equals to f of x, the variable x is called independent variable of the function and y is called dependent variable of the function f. Real valued function, a function in which the variables are real numbers. Variables की अगर values दी हुई होंगी in form of real numbers, तो हम कहेंगे कि ये real valued function है. देखिए बच्चों, ऐसा function जिसमें आपके पास x की वैल्यूज रियल होंगी, ऑब्वियसली आपके पास y की वैल्यूज भी रियल होंगी. क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज हमने जब जैसे ही y में पुट करनी है, वो आपके पास इक्वेशन में पुट करनी है, हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि रियल होंगी. ठीक है. रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है, x का जो सेट है वो डोमेन का सेट कहलाता है. ठीक है. और जो आपके पास y का सेट होता है वो रेंज का सेट कहलाता है. ठीक है. अब उसने कहा कि अगर आपके पास वेरिएबल्स रियल नंबर्स होंगे तो हमारे पास फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है. मतलब एक्स की वैल्यूज अगर रियल दी हुई होगी, जैसे यहां पे हमने एक्स की वैल्यूज ली, एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 रियल नंबर्स लिए एक्स की वैल्यू में, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज पुट करने से वाई की वैल्यूज भी तो रियल नंबर्स आई हैं, तो हमारे पास ऐसा जो फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है. सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन. अच्छा, अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन. अभी मैंने आपको बताया डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन आपके पास होती है एक्स का सेट जो है वो डोमेन कहलाता है, और एक्स का जो सेट हम फंक्शन में पुट करेंगे और वाई का जो आंसर आएगा वो वाई के आंसर का जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है. अगर डोमेन आपके पास रियल नंबर्स की होगी तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर मीन्स रेंज जो है वाई का जो आंसर है वो क्या आएगा, रियल नंबर्स आएगा, तो वो आपके पास जो फंक्शन क्या होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा. इसी तरीके से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. गिवन दैट एग्जांपल मैं आपको यहां करा रही हूं.
एग्जाम्पल देखें, आपके पास है गिवन दैट फंक्शन गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन, फाइंड एफ ऑफ जीरो, फिर एफ ऑफ वन, और फिर थर्ड पार्ट हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ माइनस टू। ठीक हो गया। अब देखें एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको एक्स की जगह पे फंक्शन में जीरो पुट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है जीरो, अब ये जीरो की वैल्यू पुट करें और आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, मीन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो की पावर थ्री माइनस टू, जीरो का स्क्वायर प्लस फोर इंटू जीरो माइनस वन, और यहां से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई माइनस वन। मीन्स फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही थी एक्स की वैल्यू पे। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, आपके पास फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू आ गई विच इज माइनस वन। ठीक है, उसके बाद हम एफ ऑफ वन निकालते हैं। एफ ऑफ वन निकालने के लिए आपको एक्स इक्वल्स टू वन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स होता है बेटा। एक्स की वैल्यू आपके पास वन दी हुई है, तो हम एक्स इक्वल्स टू वन इस पूरे फंक्शन में पुट कर देते हैं। एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन की पावर थ्री माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस फोर वन माइनस वन, वन माइनस टू प्लस फोर माइनस वन, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, आंसर इज टू। अब देखिए एक्स की हमने एक सिंगल वैल्यू पुट की, एक्स की सिंगल वैल्यू पुट करने से हमारे पास फंक्शन की भी सिंगल वैल्यू आई। इट मीन्स ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू पुट करें, एक्स की जगह पे हमने माइनस टू पुट करना है, माइनस टू की पावर थ्री माइनस टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू माइनस वन, माइनस टू की पावर थ्री इज माइनस एट माइनस टू, फोर माइनस एट माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एट माइनस एट माइनस एट माइनस वन विच इज माइनस ट्वेंटी फाइव, और ये आपके पास आ गई फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इज माइनस ट्वेंटी फाइव। देखिए एक्स इक्वल्स टू माइनस टू यूनिक वैल्यू थी, सिंगल वैल्यू थी, और सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन की भी यूनिक वैल्यू आई है, सिंगल वैल्यू आई है। इट मीन ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।